शादी घर के नौकरानी से? इसी बात को तो मैं रो रहा हूँ कि शाम से शादी। आज हम बात करेंगे कई फिल्मों में सख्त माँ और सास का किरदार निभाकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाली वेटरन एक्ट्रेस ललिता पवार की। ललिता पवार किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जवानी में बेहद सुंदर और अपने जमाने में सबसे ज्यादा फेस लेने वाली एक्ट्रेस ललिता पवार ने कई दशकों तक हिंदी सिनेमा को अपनी बेजोड़ अदायगी से सजाया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 को नासिक के रूढ़ीवादी परिवार में हुआ। इनके पिता लक्ष्मण राव शगुन बड़े सिल्क व्यापारी थे। ललिता पवार का असली नाम अम्बा लक्ष्मण राव शगुन है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ललिता पवार का जन्म एक मंदिर के बाहर हुआ था। कहते हैं कि ललिता पवार की मां अनुसुईया मंदिर गई थी, लेकिन मंदिर के गेट पर पहुंचते ही उन्हें तेज लेबर पेन होने लगा और इतना वक्त नहीं था कि उन्हें अस्पताल लेकर जाया जा सके और फिर उन्होंने मंदिर के बाहरी बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म होने के बाद उनके माता पिता ने उनका नाम अंबिका रखा, लेकिन बाद में उनका नाम ललिता पवार पड़ गया। ललिता बचपन से ही बहुत सुंदर थी और उनकी आंखें बेहद ही खूबसूरत थी। ललिता पवार एक रईस परिवार से थी, लेकिन जिस दौर में ललिता पवार का जन्म हुआ उस दौर में बहुत कम लोग लड़कियों को पढ़ाते थे। ललिता को भी समाज का दंश झेलना पड़ा और वह पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकी। कहते हैं कि ललिता पवार अपने भाई और पापा के साथ शूटिंग देखने के लिए पुणे गई थी, लेकिन जैसे ही फिल्म के निर्देशक की नज़र उन पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत ही ललिता पवार को अपनी फिल्म के लिए चुन लिया। लेकिन जिस पिता ने समाज के कारण बेटी को पढ़ाया लिखाया नहीं, भला ऐसे में वो कैमरे के सामने अभिनय की मंजूरी कैसे दे देते। वह ललिता पवार को अभिनय कराने पर बिल्कुल राजी नहीं हुए, लेकिन फिल्म निर्देशक नाना साहेब के लाख मनाने के बाद उन्होंने ललिता पवार के फिल्म में अभिनय करने की हामी भर दी। महज 9 साल की उम्र में ही ललिता ने एक्टिंग करना शुरू कर दिया। नाना साहेब ने ललिता को फिल्म राजा हरिश्चंद्र में बाल कलाकार का रोल दिया। ये भारत की पहली मूक फिल्म थी। ललिता पवार ने इसके बाद आने वाली कई मूक फिल्मों में काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी पहली डायलॉग वाली फिल्म हिम्मते मर्दा थी, जो साल 1935 में रिलीज हुई थी। ललिता पवार एक अच्छी सिंगर भी थी। उन्होंने फिल्म हिम्मते मर्दा में नील आभा में प्यारा गुलाब रहे, मेरे दिल में प्यारा गुलाब रहे गाना गाया, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। इस फिल्म में वे काफ़ी बोल्ड रोल में नजर आई थी। ललिता पवार ने जब फिल्मों में काम करना शुरू किया तो उस वक्त उन्हें केवल 18 रुपये मिलते थे। देखते ही देखते उनकी लोकप्रियता और कमाई बढ़ने लगी और ललिता अपने दौर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हीरोइनों में शुमार हो गई। ललिता पवार ने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन उनकी फिल्म अमृत में उनका किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग उनसे छुआछूत करने लगे। दरअसल 1941 में मराठी के मशहूर उपन्यासकार विष्णु सखाराम खांडेकर की कहानी पर बनी फिल्म अमृत में उन्होंने मोची का किरदार निभाया था। लोगों ने उनके इस किरदार की सराहना तो की, लेकिन साथ ही साथ उनके साथ छुआछूत का व्यवहार भी करने लगे। कहते हैं इसके बाद उन्हें जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ा था। ललिता पवार फिल्मों में आने के बाद सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी, लेकिन एक फिल्म के सेट पर हुए हादसे ने उनकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। शायद भगवान ने ललिता पवार के लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। साल 1942 में ललिता पवार एक्टर भगवान दादा के साथ फिल्म जंगे आज़ादी के लिए शूट कर रही थी। एक सीन के शूट के दौरान भगवान दादा को ललिता पवार को थप्पड़ मारना था, लेकिन गलती से ललिता पवार को थप्पड़ कान पर लग गया। इस कारण उनकी आंख के पास की नस फट गई। ललिता पवार को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां मिले गलत ट्रीटमेंट के कारण स्थिति और बिगड़ गई। उनके शरीर के एक हिस्से में लकवा मार गया। कई सालों तक ललिता पवार का इलाज चला। वह ठीक तो हो गई, पर उनकी एक आंख खराब हो गई और करियर भी। करियर इसलिए क्योंकि इस एक्सीडेंट के पहले तक ललिता पवार फिल्मों में बतौर लीड हीरोइन काम कर रही थी, लेकिन बाद में निर्माता निर्देशकों ने उन्हें लीड रोल में लेने से इनकार कर दिया।
इलाज के कारण ललिता पवार 3 साल तक घर पर खाली बैठी रही, लेकिन जब वापस लौटी तो उन्हें माँ और बहन और सास के रोल ही मिले। इस तरह ललिता पवार सिर्फ कैरेक्टर रोल्स तक ही सिमट कर रह गई, पर इन कैरेक्टर रोल्स में भी ललिता पवार ने ऐसी जान फूंकी कि वो हमेशा के लिए अमर हो गए। उन्होंने 1944 में फिल्म राम शास्त्री में गुस्सैल सास की भूमिका निभाई। ललिता पवार का यह रोल लोगों को खूब पसंद आया। इसके बाद 60-70 के दशक में ऐसे किरदारों से ललिता ने बड़ी कामयाबी हासिल की। जंगली की सख्त माँ, श्री 420 की केला बेचने वाली, आनंद की संवेदनशील मातृ छवि और अनाड़ी की मिसेज डिसूजा जैसे ललिता पवार के किरदार लोगों को हमेशा याद रहेंगे। उन्होंने अपने पूरे करियर में 700 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इतने लंबे फिल्मी करियर के कारण ललिता पवार का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। फिल्मों के अलावा ललिता पवार ने छोटे पर्दे पर भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। 80 के दशक में उन्होंने रामानंद सागर के पौराणिक सीरियल रामायण में काम किया था। इस सीरियल में उन्होंने मंत्रा का किरदार किया, जिसे खूब पसंद किया गया। अपने शानदार अभिनय से ललिता पवार ने कई पुरस्कार भी हासिल किए थे, लेकिन ललिता पवार के लिए जैसे यह एक्सीडेंट काफ़ी नहीं था, उन्हें मुंह का कैंसर भी हो गया। इसके बाद तो ललिता पवार पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अपनी शादीशुदा जिंदगी में भी उन्होंने बहुत दुख और दर्द झेले हैं। ललिता पवार ने फिल्म मेकर गणपत राव से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही पता चला कि ललिता पवार के पति का अफेयर उनकी छोटी बहन से चल रहा है। इस कारण ललिता पवार ने गणपत राव को तलाक दे दिया। ललिता पवार ने फिल्म निर्माता राजप्रकाश गुप्ता से दूसरी शादी की। इस शादी से उनको एक बेटा भी है। जब ललिता को कैंसर हुआ तो उन्हें लगा कि ऐसा उन नेगेटिव किरदारों की वजह से हुआ है जो उन्होंने फिल्मी पर्दे पर निभाए, क्योंकि लोगों ने उन किरदारों में ललिता पवार को खूब कोसा। कैंसर के बाद ललिता पवार की हालत और भी खराब होती चली गई। कहते हैं कि जब ललिता पवार की मौत हुई तो घर पर उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। ललिता पवार पुणे स्थित अपने बंगले में अकेले रह रही थी और वहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। जब ललिता पवार के बेटे ने फोन किया तो किसी ने भी फोन नहीं उठाया। परिवार के लोगों को जैसे ही खबर मिली कि ललिता पवार फोन नहीं उठा रही हैं, तो घर वाले तुरंत भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ललिता पवार इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। ललिता पवार ने 24 फरवरी 1998 को 81 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।